देखिए, पहले तो कोई मकसद होना चाहिए। इस टाइम मुझे खान साहब का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा है, क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अगर आपका सवाल इलेक्शन ही है, आपने इलेक्शन की डेट ही लेनी है, तो सबसे पहले आपके पास तीन गवर्नमेंटें, आप गिलगित की गवर्नमेंट तोड़ें, आप केपी की गवर्नमेंट तोड़ें, आप पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ें, आपके पास एक अच्छा एक ठोस जो है ना, आपके पास रीज़न हो जाएगा भाई तीन गवर्नमेंटें मैंने तोड़ दी, आप इलेक्शन करें। बिला वजह आवाम को तंग करना और बिला वजह आवाम को बार बार आजमाइश में डालना क्यों आप डाल रहे हैं? आपके पास जब आप एक लीगल ऑप्शन मौजूद है, आप पहले वो स्टेप अपनाएं। अगर आपसे उससे नहीं बनती तो फिर आप आवाम को निकालें बाहर। क्यों आप आवाम के लिए भी जो है आजमाइशें दिन ब दिन पैदा कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च से किस तरह के मसाइल का आवाम को सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इंस्टेबिलिटी आती है सबसे पहली बात तो है, अफरा तफरी पैदा होती है, कारोबार आगे ही नहीं है। पिछले तीन साल से जो कारोबारी हजरात हैं वो कसाद बाजारी का शिकार हैं, मुल्की मुआशरत भी है जो डामाडोल है। इसके बावजूद अगर आप इन ये इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा।